हेलो गाइस, मनीषा दिस साइड फ्रॉम वेब कोडिंग। सो आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फाइंड द स्मॉलेस्ट डिवाइजर गिवन अ थ्रेशोल्ड। ठीक है जी, तो मैं बस आपको ना एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी इस क्वेश्चन के लिए कि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है ना, कोको ईटिंग बनानास, ज़रा उस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन के साथ में पढ़ के देखिए। ठीक है, तब आपको एक बात रियलाइज होगी कि दोनों क्वेश्चन जस्ट सेम है, बस बस वर्ड्स का खेल खेल दिया गया है और प्रॉब्लम में वर्ड्स थोड़े चेंज कर दिए गए हैं। एक बार मैं आपके सामने क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, आप पीछे इसे रिलेट करना पिछले वाले कोको ईटिंग बनानास वाले क्वेश्चन के साथ। ठीक है जी, तो देखो सवाल आपको क्या दिया गया है, आपको एक एरे दिया गया है जिसमें कुछ नंबर्स हैं और एक थ्रेशोल्ड वैल्यू दी गई है। आपसे पूछा है वो मिनिमम डिवाइजर जिसके डिविजन का रिजल्ट एच से लेस देन या इक्वल्स टू हो। जिसके डिविजन का रिजल्ट पता है कैसे, जैसे कि मान लो जो मुझे मिनिमम डिवाइजर निकालना है उसकी वैल्यू मैं अभी के लिए अज्यूम कर लेती हूँ 7, तो पता है वो रिजल्ट क्या बनेगा, वो जो मिनिमम डिविजन जो डिविजन का रिजल्ट है वो क्या होगा, वो होगा 1/7 का सील। यहाँ पर कहा है कि अगर 7/3 होती है ना, तो आप सील के टर्म्स में वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, है ना। 7/3 का जो रिजल्ट होगा 2 नहीं होगा, 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आने वाला है, 1। यहाँ पर आप करेंगे बेसिकली 2/7, तो कितना आएगा, 1 अगेन 5/7, 1 अगेन 9/7, सील पूछा गया है तो 2। ठीक है जी, तो इस डिवीजन का रिजल्ट आप कैसे निकालोगे, इन सारे डिविजन के रिजल्ट का समेशन लेके कितना रिजल्ट बना, 5। ठीक है, क्योंकि 5 6 से छोटा है, तो हम ये कहेंगे कि हाँ 7 एक वैलिड डिवाइजर है जिसके डिविजन का जो रिजल्ट आया है ना वो थ्रेशोल्ड वाली वैल्यू से कम है। ठीक है, 7 एक ऐसा डिवाइजर है जिसने जब डिविजन का रिजल्ट दिया तो वो रिजल्ट थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम है। ओके, लेकिन हमको ऐसा मिनिमम डिवाइजर चाहिए। आपको 7 ऐसा डिवाइजर मिला, छोटा डिवाइजर ट्राई करके देखिए, क्या और कोई छोटा डिवाइजर है जो कि आपको थ्रेशोल्ड से कम लाकर रिजल्ट दे रहा है। तो मैंने 7 ट्राई करा, उससे हो गया, एक बार मैं 6 से ट्राई करती हूँ। अगर k की वैल्यू 6 होती तो आपके डिविजन का रिजल्ट कितना बनता, यहाँ पर 1/6 दैट इज 1, 2/6 दैट इज 1, 5/6 दैट इज 1, 9/6 दैट इज 2। ठीक है, तो हम अभी भी फाइन है, अभी भी जो अपने डिविजन का रिजल्ट बना है, देखो जी यह मैं क्या बोल रही हूँ, डिविजन का रिजल्ट एक बार यहाँ पढ़ के देख लो। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स एंड एन इंटीजर थ्रेशोल्ड, वी विल चूज अ पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर विच डिवाइड्स ऑल द एरे एलिमेंट्स, मतलब जो हर एक एरे के एलिमेंट को खुद से डिवाइड करता है, और बेसिकली सम एंड समेशन लेता है उस डिविजन रिजल्ट का। ठीक है जी, तो जैसे मेरा डिवाइजर 6 है ना, तो आपके जो डिविजन का रिजल्ट है वो पता है कैसे बन रहा है, वो बन रहा है 1/6 प्लस 2/6 प्लस 5/6, एरे के हर एक रिजल्ट को इस डिवाइजर के साथ डिवाइड कर दीजिए और उन सारे रिजल्ट्स का समेशन कर लीजिए। ठीक है, हर डिवीजन रिजल्ट का समेशन कर लीजिए, और ये जो डिवीजन है ना यार, इसको आपको थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करना है। 1/6 हम जनरली जब लेते हैं तो 0 मानते हैं, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि आपको सील वैल्यू अज्यूम करनी है। 1/6 आप 1 बोलोगे तो कितना हो गया आपका डिवीजन का रिजल्ट, आपका डिवीजन का रिजल्ट हो गया 1 प्लस यहाँ भी 1 प्लस यहाँ भी 1 प्लस यहाँ 2, बिकॉज 9/6 कितना होता है 1 पॉइंट समथिंग, और जब आप 1 पॉइंट समथिंग का सील लोगे तो दैट इज 2। तो कितना आ गया डिवीजन का रिजल्ट, डिवीजन का रिजल्ट आ गया 5। ये डिवीजन का रिजल्ट हमारे थ्रेशोल्ड से छोटा है। ठीक है, तो k=6 भी एक अच्छा डिवाइजर है जो कि डिवीजन के बाद रिजल्ट को थ्रेशोल्ड से छोटा लेकर आ पाया। तो जब भी आपको छोटा रिजल्ट मिलता है आप और छोटा ढूंढने की कोशिश करते हो। तो मैं एक बार k=4 लेती हूँ, क्या 4 से पॉसिबल हो पा रहा है, तो 4 से डिवीजन का रिजल्ट देखें, k=4 होता है डिवीजन का रिजल्ट क्या होता, यहाँ पर आता 1/4 दैट इज 1, यहाँ आता 2/4 दैट इज 1, यहाँ आता 5/4 दैट इज 2, 9/4 व्हाट इज 9/4, इट इज 3, क्योंकि सील अज्यूम करना है आपने। ठीक है जी, तो 3 कितना हो गया आपका डिवीजन का रिजल्ट, थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर गया है। ठीक है, ये जो डिवीजन का रिजल्ट है ये थ्रेशोल्ड से छोटा नहीं है, सही है ना। तो हम ये कहेंगे कि भाई k=4 तो थोड़ा ज्यादा ही छोटा हो गया, ये डिवाइजर लेकर तो आप थ्रेशोल्ड से छोटा डिवीजन का रिजल्ट नहीं बना पाए। तो हम कहेंगे चलो थोड़ा ज्यादा बड़ा ट्राई कर लो, 5 ट्राई कर लो, 6 से हो गया था तो अब तक का बेस्ट आंसर 6 था, 4 से नहीं हो पाया। अगर 4 से नहीं हो पाया तो 4 से छोटे वाले नंबर से तो डेफिनेटली नहीं हो पाएगा, 4 से बड़े वाला कोई ट्राई करो, दैट इज 5। 5 से देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पर 1/5 इज 1, 2/5 इज 1, 5/5 इज 1, 9/5 इज 2। ठीक है जी, तो आपके डिवीजन का रिजल्ट बन गया 5, है ना, जो कि गिवन थ्रेशोल्ड से कम है, तो आपका फाइनल आंसर 5 होने वाला है। 5 सबसे छोटा ऐसा डिवाइजर है जिसने डिवीजन के रिजल्ट को थ्रेशोल्ड से कम बनाया है। और अब मैं आपसे कहूंगी कि ये डिट्टो सेम क्वेश्चन है कोको ईटिंग बनानास, वहां बस पता है क्या होता था, थ्रेशोल्ड होता था आपकी टाइम लिमिट, कितने टाइम में आपको सारे बनानास खाने हैं, इनको बोल दिया था कि हर एक पाइल पर कितने बनानास रखे हैं, और आपसे पूछा गया था कि मिनिमम स्पीड आप क्या सिलेक्ट करोगे कि आप सारे बनानास को गिवन टाइम कंस्टेंट में खा पाओ, और वहां पर हम ऐसे ही अपना सोल्यूशन निकाल रहे थे। ठीक है,
तो दोनों क्वेश्चंस को जब भी रिवाइज कीजिएगा साथ में कीजिएगा। इस तरह के बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, है ना। तो जैसा हमने वहां पर करा था कि हम ये जो पर आर वाली बात थी उस चीज पे अपना बाइनरी सर्च लगा रहे थे, तो आज भी ऐसा ही करेंगे। हम ये जो डिवाइजर सिलेक्ट करने वाली बात है ना, इस पे अपना बाइनरी सर्च लगाएंगे, ठीक है जी। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है, एक बार उसको देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। उसमें हमने काफी टाइम लगाकर चीजों को एक्सप्लेन करा है। तो मैं बस ये कहूंगी, क्वेश्चन को पढ़िए उस वाले को और इस वाले को, आपको तुरंत से फील आएगी कि दोनों क्वेश्चन डिटो सेम है। बस वहां पर बनाना स्पीड ये सब हो रहा था, यहाँ पर डिवाइजर डिविजन का रिजल्ट थ्रेशोल्ड ये सब हो रहा है, बस नाम चेंज कर दिए, कंसेप्ट डिटो सेम है, ठीक है। तो हम लोग वही कहानी रखेंगे, हम कहेंगे कि ठीक है सबसे कम डिवाइजर, तो यार मैं इस बार डिवाइजर में जीरो नहीं रखूंगी, सबसे कम पॉसिबल डिवाइजर में रखूंगी वन, और सबसे हाईएस्ट पॉसिबल डिवाइजर पता है क्या रखूंगी, इस एरे का जो मैक्सिमम होगा 9, ठीक है। क्योंकि खुद सोचो यार, अगर आपको, अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर मिनिमम कुछ भी वैल्यू होती, मतलब मान लो कि जैसे हर जगह एटलीस्ट वन तो दे ही रखा है आपको, ये मान लो एटलीस्ट वन तो दे ही रखा है अभी के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप जीरो लोगे तो आई गेस जब आप जीरो बाय समथिंग करोगे तो उसका सील जीरो ही रह जाएगा, तो उसमें उसमें उसकी टेंशन मत लो। अभी मान लो कि आपका डिवाइजर एटलीस्ट हर जगह जीरो से तो बड़ा ही है, तो एटलीस्ट अगर हर जगह वन भी होता ना यार, तो भी आपको एक स्पॉट पर कम से कम वन का डिविजन का रिजल्ट तो मिलता ही मिलता। तो मैं ये कहूंगी कि ये जो थ्रेशोल्ड है ना, वो अभी भी हमें ये कहना चाहिए कि एरे की लेंथ से तो एटलीस्ट बड़ा ही हो। क्यों? क्योंकि अगर थ्रेशोल्ड की वैल्यू 3 होगी, ठीक है जी, अगर ये थ्रेशोल्ड की वैल्यू आपको यहाँ दे रखी है 3, तो यार हम कभी भी यहाँ पर ऐसा किसी भी डिवाइजर को सिलेक्ट करके रिजल्ट नहीं बना सकते जो कि 3 से छोटा हो। अगर यहाँ पर सारे जो नंबर्स हैं वो 0 से बड़े दे रखे हैं, तो तब ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है जी। तो इसलिए मैं कहूंगी कि बेसिकली यहाँ पर भी अपनी हाईएस्ट जो डिवाइजर होना चाहिए था वो होना चाहिए था 9। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जो हाईएस्ट डिवाइजर है ना, वो एटलीस्ट आपको इस एरे डॉट लेंथ जितना डिवीजन का रिजल्ट लाकर देगा, काफी कम डिवीजन का रिजल्ट लाकर देगा। और आपकी जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो या तो एरे डॉट लेंथ होगी या फिर उससे ज्यादा ही होगी, गिवन दैट कि आपके एरेज में जीरो वैल्यूज नहीं है, उससे बड़ी वैल्यू है, ठीक है जी। ओके, तो ये वाली बात होगी यहाँ पर, ठीक है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लो यहाँ रखेंगे, हाई यहाँ रखेंगे, और अब अपना सबसे छोटा ऐसा डिवाइजर निकाल के लाएंगे जो कि डिवीजन का रिजल्ट इस एरे के साथ थ्रेशोल्ड से कम वैल्यू का लाकर देता है, ठीक है जी। तो ये हमने को अपने को करना है इस सवाल में, तो एक बार इस पर चल के देखते हैं, है ना। तो बिल्कुल सेम रहने वाला है यार, कोड तो बिल्कुल सेम रहने वाला है। आप एक बार लास्ट क्वेश्चन देखो, डिटो वैसे ही नजर आएगा आपको। तो लो को इनिशियली मैंने 1 पर रखा, हाई को इनिशियली रखा मैंने एरे के मैक्सिमम एलिमेंट पे। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, सबसे पहले तो एरे का वो मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लूंगी, इनिशियली मान लूंगी कि नम्स ऑफ 0 ही मेरा एरे का मैक्सिमम एलिमेंट है, और फिर बाकी लोगों से कंपेयर करवा कर निकाल लेंगे अपना मैक्स, ठीक है जी। तो ये रहा, और अब चलाते हैं बाकी लोगों पर। आई इक्वल्स टू 1 से लेके आई लेस देन इक्वल्स लेस देन, हाँ सॉरी, नम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ठीक है। क्या निकालेंगे? मैक्सिमम। तो मैक्स इज इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ अब तक का मैक्स और आज जो नम्स ऑफ आई है। तो इससे आपने एरे का मैक्सिमम निकाल लिया। अब आप लो और हाई को इनके बीच में रख दीजिए, लो को इनिशियली 1 पर रख दीजिए, हाई को इनिशियली रख दीजिए मैक्स पर, ठीक है जी। और अगर आपको आपकी थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है, ये जो थ्रेशोल्ड है ये दे रखी होती नम्स डॉट लेंथ के इक्वल, तो हम ये कहते कि भाई जो अपना मिनिमम डिवाइजर होगा वो एक्चुअली इस एरे का मैक्सिमम ही होगा। क्यों? क्योंकि ये समझने की कोशिश करो कि अगर आपने 9 लिया ना, तो आपका आंसर कितना बनेगा। देखो हर जगह 9 से छोटी वैल्यू होगी, वहां तो वन आएगा, और एक जगह मैक्सिमम वैल्यू होगी वहां भी वन आएगा। तो एरे डॉट लेंथ जितना आपको थ्रेशोल्ड वैल्यू लग जाएगा, आपका डिविजन का रिजल्ट एरे डॉट लेंथ जितना आएगा, ठीक है जी। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इस केस में हम अपना मैक्सिमम इंटीजर ही रिटर्न कर देते हैं एरे का मैक्स, अदरवाइज हम मिनिमम डिवाइजर को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं आंसर बना लेती हूँ कि मुझे मिन डिवाइजर फाइंड आउट करना है, मिन है ये, तो इसलिए इनिशियली इसमें क्या वैल्यू रखूंगी, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, और अब बस मिनिमम डिवाइजर निकालने की कहानी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है जी। तो ये डिवाइजर निकालने वाली चीज पे हम लोग बाइनरी सर्च लगाएंगे। तो लो इज लेस देन इक्वल्स टू हाई, है ना, जब तक ऐसा है तब तक काम करो। क्या करेंगे? डिवाइजर निकालेंगे। कैसे? क्योंकि यार यहाँ भी वैल्यूज पे काम हो रहा है, तो ओवरफ्लो को रोकिएगा। ओवरफ्लो को रोकने के लिए आपको लो प्लस हाई माइनस लो बाय 2 लिखना चाहिए इंस्टेड ऑफ लो प्लस हाई बाय 2, ठीक है जी। तो ये वाली चीज सही है, आपने निकाला डिवाइजर। अब हम यही टेस्ट करेंगे जो वहां पर करा था, हम ये देखेंगे कि इस पॉसिबल, इनफैक्ट इस पॉसिबल की जगह ना यहाँ पर, हाँ इनफैक्ट ये इस पॉसिबल, इस पॉसिबल ही ठीक है यहाँ पर भी, कि क्या ये जो नम्स वाला एरे है
अगर मैं डिव वाले डिवाइजर से पूरे एरे के डिवीजन रिजल्ट निकालता हूँ तो क्या वो डिवीजन रिजल्ट थ्रेशोल्ड वैल्यू से छोटा है या नहीं? अगर वो डिवीजन रिजल्ट थ्रेशोल्ड वैल्यू से छोटा निकला तो हम अपना मिन डिवाइजर इसी डिवाइजर को मान लेंगे और साथ ही साथ लालच में एक छोटा डिवाइजर निकालने का ट्राई करेंगे। छोटा डिवाइजर निकालने का ट्राई कैसे करोगे? हाई इक्वल्स टू डिव माइनस वन पर रखकर, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, इस वाले डिवाइजर से जो अपना डिवीजन का रिजल्ट बना वो थोड़ा बड़ा, बेसिकली वो मतलब थ्रेशोल्ड के अंडर नहीं है, थ्रेशोल्ड से थोड़ा बड़ा बन गया, तो हम कहेंगे डिवाइजर की वैल्यू थोड़ी बढ़ाई जाए, ठीक है। डिवाइजर की वैल्यू कैसे बढ़ाओगे? लो इक्वल्स टू डिव प्लस वन रखकर, ओके। एट द एंड आपके पास एम डिव में आपका मिनिमम डिवाइजर पड़ा होगा जिसने डिवीजन का रिजल्ट थ्रेशोल्ड से छोटा दिया है, तो फाइनली वी विल रिटर्न एम डिव, है ना। और अब बस मुझे एक छोटा सा फंक्शन लिखना है, दैट इज ये इज पॉसिबल वाला। तो ये तो हमने लास्ट टाइम में भी लिखा था, पब्लिक स्टैटिक बूलियन इज पॉसिबल वाला फंक्शन, तो इज पॉसिबल, ठीक है जी। यहाँ पर हम इसको क्या देंगे, एक तो एक नम्स वाला एरे देंगे, और इसे सवाल पूछा गया है कि क्या इस डिवाइजर का यूज कर आपके डिवीजन का रिजल्ट थ्रेशोल्ड से छोटा आता है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर रिजल्ट कैलकुलेट कर लेती हूँ कि कितना रिजल्ट आएगा अगर मैं इस डिवाइजर का यूज करके हर एरे के एलिमेंट को डिवाइड करूंगी। तो पहले मैं वो रिजल्ट बना लेती हूँ, तो आई जीरो से लेके आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ठीक है जी। और अब हम इसको क्या करेंगे, बेसिकली रिजल्ट में एड ऑन कर देंगे, रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू, ओके। तो क्योंकि आपको सी लेना है 7/3, यहाँ पर अगर कहीं एरे के एलिमेंट पे 7 रखा है आप उसे 3 से डिवाइड करें तो आपका रिजल्ट 2 नहीं आएगा, आपका रिजल्ट 3 आएगा। तो यहाँ पर सील लेना मत भूलना, मैट डॉट सील ऑफ नम्स ऑफ आई डिवाइडेड बाय बेसिकली डिव, ठीक है। और सील का लेने का फायदा तभी है जब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स में वैल्यू आ रही हो। अगर आप 7/3 निकालोगे 2 और 2 का सील निकालोगे फिर तो कोई फायदा नहीं ना, तो इसको 1.0 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना ताकि वो 7.0/3 हो, है ना, और आपका रिजल्ट थोड़ा ठीक ठीक है, 2 point something बना हो जिसकी वजह से आपका सील 3 आ जाए। और मैथ क्लास के सारे फंक्शन डबल रिटर्न करते हैं तो इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसे इंट में टाइपकास्ट करें। एंड फाइनली अब हम देखेंगे इस डिवीजन का रिजल्ट क्या थ्रेशोल्ड वैल्यू से छोटा है, तो रिटर्न रिजल्ट लेस देन इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड। अगर रिजल्ट थ्रेशोल्ड वैल्यू से छोटा हुआ तो हम इस डिवाइजर को अपना मिनिमम डिवाइजर मान लेंगे, और अगर नहीं हुआ तो हम कहेंगे कि डिवाइजर को थोड़ा बढ़ाया जाए। तो यही काम हमने डिटो सेम काम करा था। आप रिलेट करके देखो, इस क्वेश्चन में हम थोड़ा चीजों को मतलब इतना ध्यान से नहीं देख रहे हैं, इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन हमने बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करा है पिछली वीडियो में, कोकोएटिंग बनाना इसमें, ठीक है। तो एक बार आप वहां से कंसीडर कीजिएगा, सही है। तो आंसर तो सही आ रहा है, एक बार फटाफट से इसको सबमिट करके देखते हैं। ओके जी, सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं, बस एक बार फाइनली जस्ट ड्राई रन कराने के लिए एक बार से ड्राई रन और कर लेते हैं इसको, है ना। तो मैं एक बार ड्राई रन करके और दिखा देती हूँ आपको, मुझे इसके लिए चाहिए होगा कोड, तो ये रहा। एक बार देखते हैं कि इस एग्जांपल का अपना आंसर कैसे आएगा, 5 अपने लिखे हुए कोड से। मुझे क्या क्या चाहिए यहाँ से, ये बाइनरी सर्च वाला पार्ट और ये इस पॉसिबल वाला पार्ट, ओके। तो एक तो ये बाइनरी सर्च वाला पार्ट और ये इस पॉसिबल वाला पार्ट, दैट्स इट, ठीक है जी। तो ये रहा अपना कोड, और अब कोड चला कर देखते हैं कि कैसे अपना मिनिमम डिवाइजर आने वाला है, ओके। तो इनिशियली मैंने क्या रखा, बेसिकली यहाँ रखा लो आपका और यहाँ रखा हाई, और एक वेरिएबल बनाकर रखा मिनिमम डिवाइजर कौन सा होगा जिसे इनिशियली प्लस इनफिनिटी से इनिशियलाइज किया, और अब मैं हमेशा डिवाइजर निकाल ली हूँ। मैं यहाँ पे इन इंडेक्सेस को हटा देती हूँ क्योंकि मुझे इनकी जरूरत तो पड़ नहीं रही, एरे पे बाइनरी सर्च थोड़ी ना लगी, बाइनरी सर्च तो लगी है डिवाइजर के ऊपर जो कि इनिशियली है 1, लो सबसे छोटा मैंने मान लिया, हाई सबसे मैंने माना है एरे के मैक्स वैल्यू को, दैट इज 9 को। अब देखते हैं, ठीक है जी। तो पहली बार आपने अपना डिव निकाला तो डिव में आपका क्या आंसर आया होगा, 5 आया होगा, ठीक है। लो प्लस हाई बाय 2, या फिर अगर आप ऐसे भी कैलकुलेट करते हैं सेम ही वैल्यू आती है, बस इससे ओवरफ्लो आपका अवॉइड हो जाता है क्योंकि आपने यहाँ पर माइनस करा है, एडिशन नहीं करा है, ठीक है जी। तो आपका डिवाइजर में बेसिकली क्या वैल्यू आई, 5। अब आप ट्राई करेंगे कि 5 डिवाइजर के साथ जो डिवीजन का रिजल्ट बनेगा वो थ्रेशोल्ड से छोटा है कि नहीं। तो हम जाएंगे इस पॉसिबल नाम के फंक्शन में, पहले तो डिवीजन का रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे कैसे। 1/5 का सील इज 1, 2/5 का सील इज 1, 5/5 का सील इज 1, 9/5 का सील इज 2। तो अगर आप अपना रिजल्ट देखोगे तो रिजल्ट में आपके पास क्या पड़ा होगा, रिजल्ट में आपके पास पड़ा होगा 5, क्योंकि ये थ्रेशोल्ड से छोटा है। तो आप कहोगे कि हाँ भाई ये डिवाइजर हमको सही सही लग रहा है, पहली बार में ही आंसर आ गया इनफैक्ट इस एग्जांपल में। तो एक बार देखते हैं कि क्या ये आंसर ठीक है कि नहीं, कैसे रुकेगा ये देखना जरूरी है, ठीक है। तो क्योंकि आपका रिजल्ट ट्रू आ रहा है कि हाँ इस डिवाइजर के साथ जो रिजल्ट आया वो थ्रेशोल्ड से छोटा है, तो आप एम डिव में डिव को डाल देंगे, आप कहेंगे कि ओके ये डिवाइजर हमको पसंद आया। और अभी भी आप लालच में कहेंगे कि छोटा डिवाइजर ट्राई करो, मे बी 4 से भी आ जाए, अपने को तो मिनिमम डिवाइजर रिटर्न करना है ना। तो इस लालच में आप हाई को उठाकर फिर से डिव माइनस 1 पर रखोगे,
ठीक है जी, तो एक बार हाई को डिव माइनस वन पर उठा कर रख देते हैं, तो हाई को मैंने रखा फोर पर, मतलब डिव माइनस वन इज फोर। इस बार आप अपना डिवाइजर निकालोगे कितना आएगा, इस बार आपका डिवाइजर आने वाला है टू। तो देखते हैं कि टू डिवाइजर जो डिविजन का रिजल्ट लेकर आएगा वो थ्रेशोल्ड से छोटा है कि नहीं। तो यहाँ कितना आएगा आपका, वन बाय टू इज वन, टू बाय टू इज वन, फाइव बाय टू इज थ्री, सील लेना है, नाइन बाय टू इज फोर, नॉट फोर इट इज फाइव, ठीक है सील लेना है ना, नाइन बाय टू फोर पॉइंट समथिंग होगा, फोर पॉइंट फाइव उसका सील लेना है। तो आपका डिविजन का रिजल्ट कितना बना, डिविजन का रिजल्ट भाई हमारा बहुत बड़ा बन गया, ठीक है जी। तो डिविजन का रिजल्ट बन गया टेन, जो कि थ्रेशोल्ड से काफी ज्यादा है। तो यहाँ से रिटर्न क्या होगा रिजल्ट, 10 इज नॉट लेस देन थ्रेशोल्ड, तो हम कहेंगे कि नहीं भाई इस डिवाइजर के साथ डिविजन का रिजल्ट जो है वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा आ रहा है, तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि थोड़ा बड़ा डिवाइजर ट्राई करो, ठीक है। तो आप लोगों को उठाकर रख देंगे डिव प्लस वन पर, ठीक है जी, तो आप लोगों को उठाकर रख देंगे डिव प्लस वन दैट इज थ्री पर। इस बार फिर से आप अपना डिवाइजर निकलवाओगे, इस बार डिवाइजर आने वाला है आपका थ्री, तो आप कहोगे कि थ्री के साथ टेस्टिंग करके देखें, थ्री के साथ क्या रिजल्ट बनेगा, यहाँ वन, यहाँ वन, यहाँ टू और यहाँ थ्री, ठीक है जी। तो थ्री के साथ भी जो आपका रिजल्ट बन रहा है वो भी थ्रेशोल्ड से बड़ा है, थोड़ा सा चुप गए, थ्रेशोल्ड छह था, आपका डिवीजन का रिजल्ट सात बन रहा है, तो आप कहोगे कि नहीं भाई इसके साथ भी पॉसिबल नहीं है, थ्री डिवाइजर के साथ तो रिजल्ट सात आ रहा है, थोड़ा और बड़ा डिवाइजर ट्राई करो, ठीक है ये तो कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया, ठीक है जी। तो हम कहेंगे कि ओके फिर से लो को उठाकर डिव प्लस वन पर रखते हैं, तो लो को उठाकर आपने डिव प्लस वन पर रखा चार, आप चार डिवाइजर के साथ इस बार टेस्ट करोगे, बिकॉज ये जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी आपकी, फोर प्लस 4 माइनस 4 बाय 2 दैट इज 0 ही हो गया ना, तो 4 प्लस 0 4 हो गया आपका डिवाइजर का वैल्यू, ठीक है। तो जब आप इस बार कैलकुलेट करोगे कितना आएगा रिजल्ट, यहाँ 1, यहाँ पर आपका रिजल्ट 1 आया, यहाँ आपका रिजल्ट 2 आया और यहाँ आपका रिजल्ट 3 आया, अभी भी थोड़ा सा चूक गए यार, अभी भी चूक गए, आपका डिविजन का रिजल्ट थ्रेशोल्ड से बड़ा बन रहा है, तो इस पॉसिबल में फिर से वैल्यू फॉल्स आएगी, आप कहोगे कि नहीं थोड़ा बड़ा डिवाइजर ट्राई करा जाए। आप जैसे ही लोग को इस बार उठाकर रखेंगे डिव प्लस वन पर, कहानी खत्म, ठीक है जी। तो आप ये कहोगे कि हाँ भाई अपना जो मिनिमम डिवाइजर था जिसके साथ डिवीजन का रिजल्ट थ्रेशोल्ड से छोटा आ पाया था वो फाइव था, सो फाइनली वी विल रिटर्न फाइव, ठीक है जी। तो ये था सवाल, है ना, तो सवाल बिल्कुल सेम है जैसा लास्ट क्वेश्चन हमने करा था, बस थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड्स थोड़े से चेंज कर दिए, बाकी सवाल डिट्टो सेम है, ठीक है जी। ओके तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी अगले क्वेश्चन के साथ, ठीक है, बाय।